खबर उत्तर प्रदेश के बलिया में बीएसपी के इकलौती विधायक उमाशंकर सिंह का बड़ा बयान, रामगोपाल के बयान पर क्या पलटवार, कहा लगता है रामगोपाल ने ही कराया है अतीक अहमद के बेटे की गिरफ्तारी, इसलिए उन्हें पता है कि उनके एक बेटे का एनकाउंटर होगा। उमाशंकर सिंह ने कहा कि सपा आजम खान को भी अपने रास्ते से हटाना चाहती है, इसलिए बीजेपी से मिलकर आजम खान को चुनाव हराया, मुस्लिम समाज भी सपा से हो रही अलग। वहीं बसपा विधायक ने कहा कि मायावती ने शुरू की थी बुलडोजर की कार्रवाई, योगी जी कर रहे हैं, पुनर्वृत्त मीडिया ने उस पर नहीं किया था हाईलाइट। कि बुलडोजर एक शांति का प्रतीक है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मुंबई जी का कोई मुंबई कार्यक्रम नहीं रहा और वो आपके माध्यम से आप लोगों को मिला होगा जानकारी, हमको तो ऐसा नहीं रहा, बुलडोजर याद से नहीं है। आपको याद होगा कि जब हम सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री थी उस समय तमाम ऐसे लोगों का जो लोग इस तरह से कुछ गलत काम करते थे उन पर बुलडोजर चलता था, उसी को ये लोग पुनरावृत्त कर रहे हैं। ये जरूर है कि उस समय मीडिया उस चीज़ को कम हाईलाइट करती थी, आज मीडिया उसी को ज़्यादा हाईलाइट कर रही है। जबकि आप उठा के देखेंगे उस समय के कार्यकाल का, तो उस समय के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश पूरे देश में क्राइम के मामले में 34वें नंबर पर था, यानी पूरे देश में जो NCRB का जो देश जो आंकड़ा निकलता है उसमें हमारा प्रदेश 34वें नंबर पर था क्राइम के मामले में, यानी हमसे कम एक प्रदेश नागालैंड जहाँ पे क्राइम हमसे कम था, नहीं तो हम 34वें नंबर पर थे। तो ये उस समय के बुलडोजर की ये हनक थी और आज के बुलडोजर की हनक आप देख ही रहे हैं। जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड हुआ, इनकाउंटर, उनकी मौत हुई, इसके बाद लगातार सरगर्मियाँ तेज होती जा रही है और ऐसे में रामगोपाल यादव का बयान है कि अतीक अहमद के दो बेटों को पुलिस ने पकड़ा है और उसमें से एक बेटे को 1 से 2 दिन के अंदर एनकाउंटर कर देगी, उन्होंने आशंका जताई है, क्या कहना चाहेंगे, उनके बयान को कैसे देखते हैं? ये प्रोफेसर रामगोपाल जी या तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम के हिस्सा हो सकते हैं या तो हो सकता है उन्होंने अरेस्ट कराया हो, बेहतर इतना आदमी कोई अगर क्लियरिफाई कर रहा है कि पकड़ लिए गए हैं, एक बेटा मारा जाएगा, इसका मतलब कि हो सकता है कहीं ना कहीं भाई उनके जानकारी में हो, लेकिन हम लोगों के तो ऐसी जानकारी में है नहीं। ठीक, हम तो ये देख रहे हैं कि पुलिस ने 2 इनकाउंटर किया और अभी बाकी लोगों के लिए पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन उनका ये कहना है तो फिर वही बेहतर बता पाएंगे। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समाज सपा से दूरी बनाती जा रही है, जैसे में देखा गया कि आजम खान के चुनाव में भी देखा गया, इसको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, सपा से मुसलमान अब बिल्कुल दूरी बना लिए हैं, इसलिए कि अब लोग समझ गए हैं समाजवादी पार्टी को, जिस तरह से इन लोगों ने आजम खान को नेस्तनाबूत करा दिया और बीजेपी से मिल करके करा दिया, उनको चुनाव हरा दिए, वो चाहते नहीं आदरणीय अखिलेश जी कि आजम खान साहब कहीं भी लाइमलाइट में रहें, वो अपने आगे से पूरी तरह से उनको हटाना चाहते हैं अपने रास्ते से, और उसमें उन्होंने सफलता भी हासिल कर ली, हटा भी दी, तो इसलिए मुसलमान समाज समझ रहा है कि नहीं, ये किसी के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं, उनके कई कई विधायक अभी